नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में शुक्रवार की शाम श्रम कल्याण मैदान से मुहर्रम को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। फ्लैग मार्च में डीएम, ईएसपी, एसडीएम, डीएसपी सहित दर्जनों थाना प्रभारी फ्लैग मार्च में शामिल हुए। ये फ्लैग मार्च शहर के सभी संवेदनशील इलाकों में किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान जिला पदाधिकारी व जिला पुलिस कप्तान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, जहाँ पे काफ़ी जो संभावनाएं बढ़ जाती है, सभी इलाकों पर नज़र रखी जा रही है और हमारे पास पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी आ गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, ड्रोन के माध्यम से नज़र रखी जा रही है। इस बार कोई एरिया सीसीटीवी से भी नहीं छूटेगा, जनरेटर की व्यवस्था है, सीसीटीवी अलग से भी लगाए गए हैं, पूरी व्यवस्था के साथ प्रशासन मुस्तैद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर, जो असामाजिक तत्व सर, उसको क्या देखिए, असामाजिक तत्वों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है, 107 की कार्रवाई की गई है, जो लगातार डिस्टर्ब करते हैं, 110 की कार्रवाई भी की गई है, वारंट भी इशू किया जाए तो कहीं कोई बख्शा नहीं जाएगा कोई असामाजिक तत्व। अभी पूरे शहर का जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं पूरे का हम लोग फ्लैग मार्च करेंगे और लगातार ये फ्लैग मार्च चलता रहेगा, आज भी चलेगा, कल भी चलेगा। गश्ती दल भी बनाए गए हैं जो गाड़ियों से भी गश्ती करेंगे, पैदल भी गश्ती करेंगे। मुहर्रम को लेकर हम लोग लगातार जो है वो प्रयासरत हैं कि माहौल शांतिपूर्ण रहे और कल जो है हिंसा अनुमंडल के कई थानों में फ्लैग मार्च कराया गया था, राजगीर अनुमंडल के कई थानों में कराया गया था। बिहार शरीफ में आज हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं, कल भी फ्लैग मार्च होगा और फ्लैग मार्च के माध्यम से हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं सभी लोगों की, शांति जो है वो बनाए रखना है, विधि व्यवस्था बनाए रखना है, साथ में जो असामाजिक तत्व हैं उनको भी संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप लोगों ने कानून को हाथ में लिया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी चाहिए, वैकल्पिक से सीसीटीवी कैमरा है सर, जहाँ जी सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था है, ड्रोन की व्यवस्था है और बैकअप भी रखा गया सीसीटीवी का कि अगर बिजली नहीं रहती है तो हम लोग उसको चला पाएँ जनरेटर की हेल्प से, तो पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं जो भी जुलूस निकलेगा। हालांकि आप लोग जानते हैं कि जुलूस की संख्या इस बार बिहार शरीफ में कम है, अन्य क्षेत्रों में जुलूस नहीं निकल रहे जितना पिछले साल निकल रहे, बिहार शरीफ में कम जुलूस निकल रहा है, लेकिन हम लोग वैसे ही तैयार है जैसे कि पिछले वर्ष तैयार। सर, सोशल मीडिया पे जो भ्रमिक खबर आती है उसको रोकने के लिए क्या? उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, एक FIR भी हुआ है, उसको डिटेन करके हम लोगों ने माननीय न्यायालय में पेश भी किया है, तो हम लोग लगातार नजर रख रहे हैं, जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं उन पर हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं और अगर उन्होंने कानून तोड़ा है तो उन पर हम लोग सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई कर रहे हैं। साहिल भाई, आपके बेटी कौन सी स्कूल में है? मेरा बेटी तो RPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स में है। कैसा है ये स्कूल? बहुत अच्छा है, स्मार्ट क्लासेस, म्यूजिक, डांस एंड स्पोर्ट क्लासेस, एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जनरेटर की सुविधा, प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षाएं, पूर्ण रूप से इंग्लिश मीडियम एवं इंग्लिश बोलने और उर्दू भाषा पर विशेष ध्यान, साथ ही कक्षा प्रथम से कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य है। ये तो बहुत ही अच्छी है भैया। जी हाँ, विशाल मैदान, इंडोर आउटडोर गेम्स और सीसीटीवी जैसे RPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स है नालंदा जिला का सबसे फेवरेट और बेस्ट स्कूल। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन RPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स में करवाएं। RPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स के 3 शाखाएं सोहन कुआ, कचेरी रोड और माकनपुर, बिहार शरीफ नालंदा में स्थित है। संपर्क करें 06112233707, 7899771018 इस नंबर पर।